हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. माई सेल्फ खुशबू सिंह. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और सुपर इजी होने वाली. आज मैं आपको बताऊंगी हाफ लहंगा स्टाइल को कैसे ड्रेप करें. तो यहाँ पे मैंने ना लहंगा नहीं लिया है क्योंकि मुझे सेम कलर का लहंगा मिल नहीं रहा था और इतना फ्लफी लहंगा तो मुझे नहीं लगता हर किसी के पास मौजूद होगा. तो इसीलिए मैंने ना साड़ी से ही लहंगा बना लिया. अब साड़ी से बने लहंगे में फ्लफीनेस तो ऐसे आएगी नहीं, तो इसलिए केनकेन स्कर्ट वियर करना बहुत ज़रूरी है. मैं हमेशा ना डबल नेट वाली सिंगल लूप वाली केनकेन स्कर्ट यूज़ करती हूँ. तो जो मैं यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी. बहुत लोग पूछ रहे थे कि कितना फ्लेयर सफिशियंट होगा साड़ी को लहंगा स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए. तो जो मैं स्कर्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब साड़ी के लिए मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है ना, ये है ऑर्गेन्जा सिल्क. ऑर्गेन्जा सिल्क आप लोग जानते ही हो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्लेयर होता है, काफ़ी फ्लफीनेस होती है उसमें, तो वो परफेक्ट मुझे लगता है लहंगा स्टाइल के लिए. तो सिंपली अब ये जो पूरी साड़ी है ना, इसको मैं कंप्लीट एक लहंगा स्कर्ट में ही कन्वर्ट करूँगी. इससे मैं कोई पल्लू नहीं निकालूंगी, कुछ भी नहीं, केवल चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनाकर इसको मैं टक करूँगी अपने बॉटम साइड पर. तो इससे हमें हाफ लहंगा साड़ी स्टाइल क्रिएट करने के लिए जितना फ्लेयर चाहिए वो सफिशियंट हमें मिल जाएगा. चलिए, एंड वाली पोर्शन जब आप टक करोगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब एंड वाली प्लीट आप टक करोगे तो उसके ऊपर पहली वाली प्लीट आप लगा दीजिएगा. तो इससे घेरा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से भी कोई भी यहाँ पे ओपन पार्ट नहीं नज़र आएगा और कहीं से भी अलग नहीं लगेगा वो चीज़. तो हर एंगल से आप देख सकते हो कितना स्मूथ और फाइन यहाँ पर आपको फिनिश मिल जाएगी. अब हमें लेना है दूसरा साड़ी, और दूसरी साड़ी की जो मेरी फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट सिल्क की है. तो ऑलरेडी ये काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट और बहुत लाइट वेट है. अब इसमें हम पल्लू की साइड से प्लीट्स बनाएंगे. जिनको प्लीट्स बनाना नहीं आता उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली आप मेरे ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो. बहुत इजी स्टेप्स हैं और आप सब कोई प्लीट्स आसानी से बना पाओगे. तो यहाँ पे प्लीट्स बनाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि प्लीट्स आपकी जितनी पतली होंगी बहुत सुंदर लुक मिलेगा आपको सामने की तरफ से. तो बस हमें प्लीट्स बनाते टाइम उसको थोड़ा पतला रखना है. अब इस पूरे लुक का जो फैसिनेटिंग पार्ट है ना, वो इसका ब्लाउज़ है. क्योंकि ये एक बलून स्लीव वाली ब्लाउज़ है, तो इस टाइप के स्टाइल में ना ऐसे ब्लाउज़ बहुत सुंदर लगते हैं. अब चलिए, हमने तो कंधे पे अपना प्लीट सिक्योर कर दिया है. अगर आप ये नीचे की साइड पे अपनी फर्स्ट प्लीट के साथ ये करते हो ना, तो सामने की तरफ से एक स्ट्रेट फ्लैट पल्लू लुक मिल जाएगा आपको. चलिए, अब इसको हमें ऐसे घुमाते हुए जितनी भी लेंथ अब बच गई है ना उसको साइड में लाना है. एंड देन साइड में हमें चौड़े चौड़े प्लीट्स बनाकर टक करना है. यहाँ पे हमें प्लीट्स की क्वांटिटी पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ हमें चौड़े प्लीट्स बनाने हैं एंड देन टक करने हैं. तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप डबल साड़ी मेरे जैसे ले रहे हो ना, तो एक साड़ी ऑर्गेन्जा सिल्क लीजिएगा और दूसरी साड़ी जॉर्जेट सिल्क लीजिएगा. सिल्क अगर रखना ही है तो दोनों साड़ी सेम मत लीजिएगा. और अगर कोई भी साड़ी हेवी है ना, तो पहले एक बार सोचिएगा कि अगर वो हेवी साड़ी का वेट आप उठा पाओगे तो फिर ठीक है, नहीं तो आप मेरे जैसे हल्के साड़ियाँ दो रख सकते हो. चलिए, अब हमें यहाँ पे ये ला करके एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है. एंड देन यहाँ पे जितना भी लेंथ आपको लग रहा है ढीला हो गया है पिन लगाने के बाद, तो पिन मत निकालिएगा. सिंपली यहाँ से लेंथ ले जाते हुए आपने जो पिन ऊपर की तरफ लगाया था ना अपनी फर्स्ट प्लीट में, उसको सिक्योर कीजिएगा. ये देखिए, यहाँ पे और ज़्यादा स्मूथ फाइन आपको फिनिशिंग मिल जाएगी इस तरीके से. तो सिंपली हम इस प्लीट को यहाँ से निकालेंगे एंड देन उसको और अच्छी तरीके से सेट करके सिक्योर कर देंगे. अब इस लुक में और भी ज़्यादा अगर आप चाहते हो थोड़ा अट्रैक्टिव लुक पाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करना, तो वेस्ट बेल्ट या चेन आप ऐड कर लीजिएगा. एंड देन जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, वो आप अपने चॉइस के हिसाब से पहन सकते हो. तो बस हो गया हमारा हाफ लहंगा स्टाइल रेडी. और ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है. इसको ना और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए आप एक धागे की स्टिच भी डाल सकते हो अपनी बॉटम साइड पे. तो ये और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, कहीं से भी खुलेगा नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे ही रहेगा. तो देखिए ये बलून स्लीव इसके साथ कितनी सुंदर लग रही है. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. मैं अब मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय.